एक और जिंदगी बर्बाद। वाह, बहुत सुंदर भौरिया, तुम तो बिल्कुल चाइनीज लैम्प की तरह जगमगा रही हो। ये देखो, ये पहनो। ये मर्द को एक ही चीज पिघला सकती है, वो है औरत के जिस्म की चमक। फटाफट ये पहन लो। अरे रवि, तुम अभी तक यहीं हो? अरे तुम जाओ वहां, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। और तुम जाके देखो शर्मिला को हमने जो वो नाइटी दी थी वो उसने पहने की नहीं, समझे? जी, संभाल। हाँ जाओ। अरे नाइटी का ही नहीं पहनी अभी तक? हम नहीं पहनेंगे, हमें शर्म आती है। देखो जरा, शर्माने वाली क्या बात है, है? हम तुम्हारे पति ही तो है, हम पहना देते हैं तुम्हें नाइटी। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हे, इतना शर्मा रही हूँ। तेरे बोलने पर लेकर आया हूं उसे। मैं देखती हूँ, आप शांत हो जाइए। रवि तुम जाओ। दीदी हम नहीं पीते। ये जवानी की जरूरत है, पीकर देखो, पछताओगी नहीं। नहीं भाभी, हमने बचपन से कभी नहीं पी। अरे पी के तो देखो, मजा आ जाएगा। नहीं भाभी, पियो तो बहुत। नहीं नहीं, पियो नहीं। छी, बहुत कड़वी है। अरे बहुरिया, शुरू शुरू में थोड़ी कड़वी लगती है, पर धीरे धीरे इसकी मिठास गले में उतर जाती है। पीके देखो, पीके देखो, पीके देखो, तो बहुत ही मीठी है। अब हम तुमको दूसरा पैक पिलाते हैं, पी के देखो, बहुत मजा आएगा। नहीं दीदी, बहुत कड़वा है। रुको तो, अब देखो कितना मीठा लगेगा। नहीं दीदी प्लीज। पी की तो नहीं, नहीं। अरे पियो तो, पियो 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 पियो। हाँ नहीं, प्यारी लग रही है, देखो तो नजर ना लगे।
पुराने कपड़े देकर बर्तन। ओ भाऊजी, पुराने कपड़े है तो ले लीजिए ना बर्तन। अरे नहीं नहीं, बर्तन नहीं चाहिए, चलो जाओ जाओ। ओ भाऊजी, लेटेस्ट बर्तन आए हैं जिसे इंटरनेट पे दिखते हैं ना, वैसे ले लीजिए ना। नई बहू आई है ना, ले लीजिए। तो क्या करे, नई बौरिया के सारे कपड़े तुमको दे देगा। अरे सर, टुकुर टुकुर अंदर कहाँ देख रही हो, तुमको कहा ना कि नहीं चाहिए तुम्हारे बर्तन, चलो निकलो। नए कपड़े देकर बर्तन ले लो। ये जवानी की जरूरत है दीदी, हम नहीं पीते। पी कर देखो, पछताओगी नहीं। आजा शर्मिला, नाश्ता कर ले। रात भर जी नहीं भर है का, जो अभी भी नैन मटक का चल रहा है। रवि को अंदर भेजे का, चल आजा जल्दी से, नाश्ता कर ले। एक भोली भाली लड़की इस घर में दुल्हन बनकर आई, पर वो ऐसे खड़यंत्र का शिकार हो गई थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो लड़की आ गई थी अपराधियों के खेमे में। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की कहानी एक शर्मिला नाम की लड़की की है, जिसके ससुराल में अलग ही अपराध की दुनिया बसती थी। बेशक इस घर में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था, पर इस खेल के खिलाड़ी का क्या नियम कानून था, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी, क्या वो खतरनाक खूनी खेल होगा, आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप, और आप रहिए सुरक्षित। मेरे पास भी एक ही बच्चा है। हाँ सर, ला। अभी देख कैसा है, शर्मिला को पसंद आएगा ना? भैया, ये सब कब तक चलेगा? मैंने तुझसे पूछा था कि कब तक चलेगा।
अगर भैया को पता चल गया तो? भैया को कौन बताएगा? मैं तो तुम्हारे भैया को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे क्या? सोचा था कि नाचने वाले से शादी करूंगा तो वो सिर्फ मेरे लिए नाचेगी। मुझे क्या पता था कि सिर्फ एक से तेरा पेट कहां भरने वाला है। आप जैसे सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं, मैं तो रवि को नाचना सिखा रही थी, और रवि तो मेरे छोटे भाई जैसा है ना रवि। भाभी एकदम सच बोल रही है भैया, भाभी मुझे नाचना सिखा रही थी। भैया नाचना सिखा रही थी? सिखा, मेरे सामने सिखा। भैया मेरे सामने सिखा, कैसे नाचना सिखा रही थी? मुझे नहीं आता। नाचना सिखा, सिखा। मैंने बोला ना सिखा। वो काम पूरा कर जो तूने अधूरा छोड़ा था। क्या बोल रहे आप? वरना काम मर गया। बात सुनिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको नाचने का शौक है क्या जीजी? नहीं, मुझे नाचने का शौक नहीं, पर तुम्हारे जेठ जी को मुझे नचाने का बड़ा शौक है। फिर आपने मुझसे शादी से पहले क्यों पूछा था कि मुझे नाचना आता है कि नहीं? ये जो मर्द होते हैं ना मर्द, ये बड़े टेढ़े होते हैं। इन्हें लगता है ये औरतों को अपनी उंगली में नचा सकते हैं और इससे ये मर्द साबित होंगे। पर ऐसा नहीं है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे जेठ जी हैं बड़े रंगबाज। जी जी, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो ना। कहीं रात को हमारे देवर जी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया था? जी जी, कैसे कहूँ? अरे कहो, जल्दी कहो। जी जी, मुझे लगा रात को मेरे कमरे में जेठ जी थे शायद। क्या बात है, मेरे पति पे तुम्हारी नजर है क्या? तुम्हारे ख्यालों में भी मेरे पति आने लग गए? कैसी बातें कर रही हैं जीजी आप? लगता हूँ आ गए। एक काम करो, करो, हम आते हैं। ठीक है। सुनिए, क्या है?
कमला सोजा रात रात भर क्या करती है, मुझे भी सोना है, सो जाता हूँ। आपके कमरे में ये घुंघरुओं की तस्वीर भाभी के पैर हैं क्या? मैंने बाहर भी उनकी तस्वीर देखी थी। बैठो। ये तस्वीर सिर्फ शो के लिए। इतनी भी क्या चलती है, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ मेरे बारे में जानिए। जब से आई हूँ आपने तो बात ही नहीं की। एक मिनट आता हूँ मैं। ये आपके यहाँ ये दारू मैं नहीं पीती, मुझे इसकी आदत मत डलवाइए। अरे एक दो बार पीने से आदत थोड़ी डलेगी। इधर आओ बैठो। बहुत बढ़िया। और एक प्लीज। नहीं नहीं अरे कुछ नहीं होगा। अरे लूना जल्दी 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 जल्दी। अरे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। यकीन मानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और इतना प्यार कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। घुंघरू पहनोगी? दोबारा तूने अगर एक घुंघरू पहने ना तो तेरे पैर काट कर दीवार में टांग दूंगा। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आपने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा वैसा किया, बट भगवान रवि और शर्मिला को जोड़ दीजिए, उनकी जिंदगी मत बर्बाद कर। इतनी भी जल्दी नहीं है, और तूने अगर जरा सी भी चू चपड़ की ना तो इसका भी वही हाल करूंगा जो सुशीला का किया था। समझी?